आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष बोलारिया। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। एक लंबे अरसे बाद भाजपा अपने निजी कार्यालय में पहुंची है, जिसका उद्घाटन गोरखपुर से वारसोली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। तो वहीं मौके पर सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने जनता को संबोधित कर कार्यालय को कार्यकर्ताओं के हवाले किया। बता दें, महाराजगंज रोड पर भाजपा के भव्य कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया है। वर्चुअल माध्यम से ही उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और रायबरेली जनपद के भारतीय जनता पार्टी के नवीन भवन में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, हमारे सभी। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा के बाद अब हालात समान होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तकरीबन 4 घंटे तक मुंह में कपड़ा बांधकर पुलिस पर पत्थरबाज कर रहे अराजक तत्वों में शहर के अटाला इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं इस मामले पर एडीजी प्रेम प्रकाश का कहना है कि पहले से इनके सारे धर्म गुरुओं से बातचीत भी हुई थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज नमाज समाप्ति के बाद में काफ़ी नौजवान इसमें अटाला के पास में वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले से भी इसके लिए सूचना इंटेलिजेंस इनपुट भी था, तो उसके लिए ड्यूटियाँ लगाई हुई थी यहाँ पर, लेकिन उसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उन्होंने नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया। फिर यहाँ PAC और सिविल पुलिस की टुकड़ी ने उनको रोका और उसके बाद में कुछ लोगों को वहाँ पर बल प्रयोग भी करना पड़ा। जब लगातार पथराव हो रहा था, हमारे कुछ जवानों को चोटें आई हैं और उसके बाद लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ दिया गया। जी, जो प्रेम प्रकाश जी हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज यहाँ पर किस तरीके से घटना हुई है, किस तरीके से पुलिस अभी तक यहाँ पर कानून व्यवस्था बना के रखी हुई है। सर, यहाँ पर आज किस तरीके से घटना हुई है और यहाँ पर अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो अभी तक किस तरह से कार्रवाई की गई है, किस तरीके की बातें सामने आई हैं? नमाज के बाद आज काफ़ी लोग गलियों से बच्चों को आगे करके वो निकल आए और नारेबाजी करने लगे, तो इनको समझाया गया कि गलियों में जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, तो पुलिस ने उनको अंदर खदेड़ा। उसके लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया, कुछ जवानों को चोटें आई हैं, रह रहकर बीच बीच में पथराव कर रहे थे। उसके बाद गाड़ियों पर भी इन्होंने पत्थर बरसाए हैं और जो आसपास के जितने भी एरिया हैं, जैसे यहाँ पर इस्लामिया जो प्रबंधन है, उसके साथ ही जो यहाँ होटल्स हैं, इन सब लोगों के यहाँ से रह रहकर पत्थर निकल रहे थे, क्योंकि पत्थर इकट्ठे किए हुए थे इन लोगों ने, तो अंदर से लेकर बच्चे आ रहे थे। बच्चों को बचाते हुए पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की और अभी स्थिति नियंत्रण में है। अब लगातार कायम कर इन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पे कुछ खबरें आई हैं कि जिलाधिकारी महोदय को या अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, किस तरह का क्या है क्लियर? कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें लगी हल्की, लेकिन कोई सीरियस नहीं है सर, और सभी ने बल प्रयोग किया है, हल्का बल प्रयोग किया है और उससे भीड़ को नियंत्रित किया है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बचाते हुए जो लोग हैं जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ा गया और अभी उन सबकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास शुरू कर दिया। धन्यवाद सर। और जिस तरीके से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डीजी जोन प्रेम प्रकाश जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पुलिस लगातार कार्य कर रही है, उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्राइम टीवी, पवन पटेल, प्रयागराज। खबर कानपुर से, जहां एक तरफ दो गुटों के बीच हुए हिंसक उपद्रव को लेकर जिले के सभी मस्जिदों में सुरक्षा और निगरानी रखी जा रही है, वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर अति संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। चौक इलाके में बनी टीले वाली मस्जिद की जहां भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कानपुर में पिछले हफ्ते जुमे के दिन काफ़ी दो गुटों के बीच पथराव हुआ था, उसमें कई गिरफ्तारियां भी पुलिस ने की और पुलिस हर जगह सतर्कता बरत रही है। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर जी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से तैयारियां हुई हैं इस बार, क्योंकि जुमे का आज पहला वो दिन है इस घटना के बाद। सर, ये बताइए, क्या कुछ पुलिस ने तैयारियां की हैं, कुछ खास ऐसी तैयारियां हैं जो कि जो उपद्रव हुआ था कानपुर में वो यहाँ पे ना हो सके? जी, आप सही कह रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है।
कानपुर की जो पिछले जुमे की नमाज यानी 3 जून घटना थी उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के तमाम निर्देश हैं, हमारे सीनियर अफसर हैं, DGP साहब, ACS सोम साहब निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार हमने सारी तैयारियां बढ़ती हैं। अभी करीब 11:30 बजे से शहर में प्रमुख स्थानों पर जुमे की नमाज प्रारंभ हो गई है, अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय पर होगी और करीब 2 बजे तक सबके समाप्त होने की संभावना है। हमने इसके मद्देनज़र सारे जो संवेदनशील स्थान हैं, सारे संवेदनशील मस्जिद हैं, वहाँ पर्याप्त पुलिस प्रबंध कर रखे हैं, पुलिस है, PAC है, हमारी एंटी राइट इक्विपमेंट से सुसज्जित जो पुलिस है वो भी है, ड्रोन कैमरा का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जो भी इन मस्जिदों में जो तकरीर करने वाले मौलाना हैं, मौलवी हैं, उनसे हमने बात की है और बात करके जैसो हमने उनसे यही आग्रह किया, अपील किया है कि आप अपनी तकरीर में ऐसी बात बोलें जो दोनों समुदायों में, देश में, समाज में, शहर में अमन और चैन का पैगाम दे, कोई ऐसी बात ना करें इससे भड़काव हो। जो और भी जो मौजूद लोग हैं, मुख्य लोग, उनसे हम लोगों ने यही बात की है कि जिस मुद्दे को लेकर कानपुर हुआ है, जो मुद्दा अभी ज्वलनशील है, उस मुद्दे पर न्यायालय कार्रवाई कर रही है, हम लोग नज़र रख रहे हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, शिकायत हो, तो आप हमारे सामने रखें और हम उचित फोरम पर उसे पहुँचा देंगे, लेकिन किसी भी हालत में शहर के अमन चैन को खतरे में ना डालें। उन सब ने आश्वस्त किया है, अभी तक जो शहर का माहौल है शांतिपूर्ण है, हमारी सब जगह पुलिस फोर्स लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का कार्यक्रम सफल संपन्न होगा। सर, जो मुद्दे हैं तमाम, ये सब जो घटनाएं हुई इनको लेकर क्या किसी धर्म गुरुओं से आपकी बातचीत हुई या पुलिस बल उनके पास गया या फिर किसी तरह का कोई बातें हुई जिस तरह से ये घटना ना घटे या इस घटना को बड़ी ना की जाए? जी, एकदम सही। सारे धर्म गुरुओं से मेरी और मेरे जो पुलिस ऑफिसर्स उनकी बात हुई है, सबने बात की, जो अलग अलग स्तर के धर्मगुरु से बात हुई, हमारे मौलाना कलवे जब्बाद साहब हैं, मौलाना खालिद फिरंगी रशीद महली हैं, इन सब से बात हुई, उन्होंने कल सबने वीडियो भी जारी किया है, अपने साथ वीडियो जारी किया, अपील जारी किया है, अमन चैन कायम रखने की अपील की है। और मैं जानता हूँ लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब हमेशा रही है, सब लोग अमन प्रिय रहे हैं, शांति प्रिय रहे हैं, तो यहाँ सब कुछ शांति से होगा, सब कुछ ठीक होगा। सर, एक चीज़ और थी जो अभी मैंने सुना भी, देखा भी कि सुबह 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपकी पुलिस जो है गश्त कर रही थी, एक पोस्टर बैनर को लेकर कुछ बातें चल रही हैं, सर इसके बारे में कुछ विस्तार? जी, कभी हम लोग संवेदनशील त्योहारों, संवेदनशील पर्वों, संवेदनशील दिनों के अवसर पर हम लोग सवेरे मॉर्निंग में 3 बजे का सब अपने पोस्टर पार्टी निकालते हैं। कभी आप देखेंगे किसी शहर के मोहल्ले में सवेरे लोग अचानक उठे और कहीं कोई पोस्टर देखा, भड़काव देखा, उसी तरह तनाव फैलने लगता है, अफवाह फैलने लगती है, दंगे फैलने की आशंका रहती है, ऐसा कुछ ना हो इसके लिए हम लोग सवेरे पुलिस की पोस्टर पार्टी निकालते हैं, सब जगह मुख्य मुख्य स्थानों पर देखते हैं, घूमते हैं, कहीं कोई पोस्टर किसी ने शरारती तत्व ना लगा दे हो, लगा दिया हो तो उसको हम हटाते भी हैं और लगाने वाले खिलाफ़ कार्रवाई भी करते हैं। इसी के मद्देनज़र आज भी हमारी सारी जगह पोस्टर पार्टी निकली थी और सब जगह शांति है, कहीं कुछ इस तरह सूचना नहीं मिली। सर, ये जो सावधानियाँ बरती जा रही हैं कानपुर की घटना को लेकर, क्या ये सावधानियाँ होंगी, सतर्कता होगी, ये केवल क्या इसी दिन रहेगी या इसके बाद भी लगातार ऐसी होती चीज़ें रहेंगी? देखिए, हमारी सावधानियाँ सतर्कता जैसे घटना की संभावना, घटना की आशंका के मद्देनजर रहती है। देखिए, जब पुलिस रहती है पुलिस के पास तमाम काम है, हम जैसे लॉ एंड ऑर्डर भी संभालते हैं, सामुदायिक सौहार्द भी बनाते हैं, क्राइम पर भी काम करते हैं, लेकिन हमें अपनी ड्यूटीज को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अभी हमारे लिए क्या ड्यूटी प्रायोरिटी है? शहर की अमन चैन को कायम रखना। अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है? जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराना, तो हमारी सारी प्रायोरिटी उसमें रहेगी। हम जब इससे कम प्रायोरिटी है तो हम फिर क्राइम पर ही फोकस करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर फोकस करेंगे, तमाम बातों पर फोकस करेंगे, तो हमारे सारे कार्य साथ साथ चलते रहते हैं, प्रायोरिटीज मौके के अनुसार, आवश्यकता अनुसार हमारी कम बेस ज़्यादा होती रहती है। सर, एक आखिरी सवाल था, कानपुर में जुलाई तक धारा 144 लगा दी गई है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ लखनऊ में भी धारा 144 लगाने की ज़रूरत आन पड़ सकती है? ऑलरेडी लगाई हुई, हमारे जॉइंट CPO लॉ एंड ऑर्डर साहब ने लगा दिया है। और लखनऊ देखिए, वहाँ कानपुर किसी अन्य वजह से, सांप्रदायिक सौहार्द की वजह से वहाँ लगाया गया हो, लेकिन यहाँ तो सांप्रदायिक सौहार्द है, राजनीतिक है, तमाम धरने, प्रदर्शन, आंदोलन पूरे शहर के, पूरे प्रदेश के होते रहते हैं, उन सबके मद्देनज़र 144 यहाँ भी लागू है। लेकिन 144 लागू होने मतलब नहीं कि आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। 144 लागू है, आपको कोई कार्यक्रम करना है तो उसकी बाकायदा हमारे सक्षम अधिकारी से अनुमति ले लें और अपना कार्यक्रम करें। हम आप सर, एक चीज़ और है, जो दंगा फैलाने की सोच रहे हैं या जो उपद्रवी हैं, उनको आपकी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज यही है, मैं अभी भी मानता हूँ लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, यहाँ के अधिकांश लोग शांतिप्रिय हैं, शांति में विश्वास रखते हैं, शांति कायम रखते हैं। यदि उनके कुछ ऐसे शरारती तत्व छिपे हुए हैं जो दंगा फसाद फैलाने की नीयत रखते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, सचेत करना चाहूँगा कि आप हमारी नज़रों में हैं, आप कहीं छुप नहीं पाएंगे, यदि आप ऐसे कभी करते पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप ऐसा कुछ ना करें और शहर के अमन चैन को बनाए रखने में हमारा साथ दें।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि लखनऊवासी अमन चैन से रहें, शांति से रहें और लखनऊ को एक बेहतर माहौल देने की कोशिश करें। लखनऊ से कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। सर को लेकर हमारे साथ JCPLO पीयूष जी हैं, सही बात करते हैं। सर ये बताएं किस तरह से अलर्ट रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि लखनऊ है, ये टीले वाली मस्जिद है, काफ़ी संवेदनशील इलाका भी रहा है और होता भी है, सर किस तरह से अलर्ट रखा गया? देखिए सभी धर्म के लोगों से संवाद बनाया गया है, शांति समिति की बैठकें की गई, साथ ही धर्मगुरुओं के माध्यम से तकरीर द्वारा जो है नियमों के बारे में जानकारी भी प्रसारित कराई गई और आज पुलिस बल एहतियात के तौर पर लगाया गया है सभी संवेदनशील इलाकों में, मोहल्लों में, और पेट्रोलिंग भी की जा रही है, साथ ही मस्जिदों के बाहर भी पुलिस बल और PSC बल तैनात है। यह सिर्फ इसलिए किया गया है कि किसी भी प्रकार की कुछ चेष्टा असामाजिक तत्व ना करें, साथ ही लोगों के मन में सुरक्षा की भावना बनी रहे और नियमों का जो लोग पालन करके विधिपूर्ण तरीके से अपने धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न करना चाहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। सर क्या सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक एक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि आप उद्धव ना करें और तमाम जो गलत चीज़ें हैं वो ना करें, कानून का उल्लंघन ना करें? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस द्वारा जो अपेक्षाएँ हैं वो भी प्रसारित की गई हैं, साथ ही जो लोग गलत पोस्ट करते हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है और जहाँ जहाँ अफवाहों का खंडन करने की आवश्यकता है वो भी की जाती है, यही निर्देश हमारी टीमों को दिया गया है और किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले तत्वों को जो है बख्शा नहीं जाएगा, उनके विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई तुरंत की जाएगी। सर आखिरी सवाल है, क्या कोई विशेष फोर्स डिप्लॉय की गई है और निगरानी के लिए क्या कुछ अलग से रखा गया है? नहीं, सभी क्षेत्रों में पुलिस बल और PSC बल तैनात किया गया है, सर्विलांस के जो है जो हमारे ड्रोन के माध्यम से भी किया जा रहा है, जिससे कि यदि कहीं मार्ग में किसी प्रकार भीड़ इकट्ठी होती है या कोई असामाजिक तत्व कोई कुचेष्टा करते हैं वो चिन्हित किए जा सके, तुरंत उनके बारे में सूचना प्राप्त की जा सके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। तो हम सभी अधिकारी भी लगातार भ्रमणशील हैं और संवेदनशील इलाकों में मौजूद हैं, जब तक सारे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं हो जाते हम सभी लोग और अन्य राजपत्रित अधिकारी भी अपने अपने इलाकों में मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति को अशांति फैलाने का मौका नहीं दिया जाएगा, ना ही ऐसे लोगों के विरुद्ध, ना ही जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना धार्मिक कार्य संपन्न करना चाहते हैं उनके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने दी जाएगी। थैंक यू सर। सर ये थे हमारे साथ JCPLO पीयूष मोडिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किसी भी तरह की लखनऊ में अप्रिय घटना को होने नहीं दिया जाएगा और हर जगह पुलिस बल तैनात है और मुस्तैद है। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। कानपुर हिंसा के बाद लखनऊ में भी अब काफ़ी हाई अलर्ट रखा गया है। यहाँ पर आज जुमे की नमाज है, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे लोग यहाँ पर आ रहे हैं लगातार नमाज पढ़ने, और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं क्योंकि ये टीले वाली मस्जिद है, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। यहाँ पर JCP से लेकर DCP हर बड़ा आला अधिकारी मौजूद है, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको अपनी बाईं तरफ दिखाऊंगा, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बाकायदा मोर्चा संभालने के लिए तैनात है ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे कि जो उपद्रव कानपुर में मचा वो यहाँ पर ना मच सके। हालांकि इस विषय में तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, हमने कमिश्नर DK ठाकुर से भी बात करी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पूरे सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से लेकर हर वो निगरानी की जा रही है जिससे कोई भी उपद्रव ना पैदा होने पाए। उस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि तमाम जो मीडिया का हुजूम है वो उमड़ा पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DCP से लेकर JCP हर बड़ा अधिकारी है, मीडिया के तमाम लोग हैं यहाँ पर। एक कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आज की लखनऊ की या कहिए सबसे बड़ी खबर भी साबित हो सकती है। ये टीले वाली मस्जिद है, यहाँ पर लोग नमाजी आते हैं काफ़ी भारी संख्या में और यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना ना घट पाए इसलिए पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस है। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। कानपुर शहर में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अब सड़कों पर जुम्मे के दिन मुस्तैद नजर आ रहा है। बात अगर की जाए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की तो प्रशासन के सभी आला अधिकारी मुस्तैद हैं और आम जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था का एहसास करा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चलते नमाज संपूर्ण रूप से अदा हो गई है
और मस्जिदों में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। कानपुर के परेड चौराहे पे हम आपको बता दें, अभी पिछले ही हफ्ते यहाँ पर दंगा भड़काया गया था और कहीं ना कहीं दंगाइयों को अब पुलिस ने जेल भी भेज चुके हैं। और अब की बार यहाँ जुमे की नमाज़ अदा की गई है, जहाँ पर ये देखा जाए कि अब की बहुत शांति के साथ जुमे की नमाज़ अदा कर गई। और जहाँ पर आपको बता दें, आला अधिकारी NDRF और ड्रोन कैमरे से निगरानी भी करी गई शांतिपूर्ण से। यहाँ पर शहर काजी भी बहुत शांतिपूर्ण बनाए रखे, शहर काजी भी, आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गुप्ता के साथ मैं रिजवान आलम, Prime TV न्यूज़ कानपुर। खबर उन्नाव से है, जहां जुम्मे की नमाज के पहले ड्रोन से निगरानी की गई, वहीं पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें, DM और SP खुद लगातार मॉनिटरिंग के साथ ही क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, जहां इन दौरे भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जनपद में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। इस दौरान SSP ने कहा कि पुलिस का संदेश साफ है, अगर आपने किसी भी प्रकार की भड़काऊ पोस्ट या धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की या पोस्ट डाली तो आप पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। देखिए, जब तैयारी तो कुछ दिनों से चली रही थी, जिसमें हमारे धार्मिक गुरु और जितने भी धार्मिक संगठन हैं उन सभी से हमारी बातचीत थी, जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, पार्षद हैं, उन सभी से भी हमारा नेटवर्क रहा, जो हमारी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ है। इसके अलावा जो हमारी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, पूरा डिप्लॉयमेंट किया गया है, ड्रोन वगैरह सभी का उपयोग किया जा रहा है। जुम्मे की नमाज को लेके प्रशासन की पूरी तैयारी थी, कप्तान साहब के साथ हम लोगों ने समीक्षा की थी और अलग अलग स्थानों पे लगी हुई हैं, इसके साथ साथ सुबह से सब लोग अलर्ट हैं और हमारे सभी धार्मिक संगठनों से भी बात हो रही थी और सभी लोगों ने मिलकर ये अपील की और आश्वस्त किया है, शांतिपूर्ण रहेगा। खबर गोंडा से है, जहां कानपुर में भड़की हिंसा की घटना को लेकर प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। नमाज को लेकर गोंडा शहर के मस्जिदों में आसपास चप्पे चप्पर पर तैनात पुलिस बल प्रशासन हाई अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और गोंडा में धारा 144 लागू है। जनपद गोंडा में आज जुमे की नमाज को सकुशल ढंग से संपन्न करा लिया गया है। समस्त थाना क्षेत्रों में प्रशासन पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी, उनकी मुस्तैदी के चलते एवं हमारे जो जनता है उनके सहयोग के चलते आज के जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया है और इसमें जितने भी लोग लगे थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जनता। खबर फरीदाबाद से, जहां मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 300 लाभार्थियों को मेले में आमंत्रित किया गया। इसमें कई बैंकों के साथ साथ कई कंपनियां भी हिस्सा लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रोजगार मेले का लाभ मिल सके। लोन के लिए किस लिए चाहिए आपको? यही मतलब पशुओं के लिए जी। तो क्या कुछ कैसा रिस्पॉन्स यहाँ से मिल रहा है? अभी पता चलेगा। बातचीत हो रही है किसी से? व्यवहार कैसा है? व्यवहार अच्छा है। उम्मीद है आपको कि आपको लोन मिल सकता है? उम्मीद है। लोन की बोली पर लोन मिल जाएगा अपन ने। लोन के लिए? हाँ। अच्छा, क्या कुछ किसके लिए लेना चाहते हैं लोन? क्या काम करना चाहते? कपड़ा को। कपड़े का व्यापार करना चाहते? हाँ। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपको लोन मिल जाएगा यहाँ से? हाँ, नहीं अगर मिल जाएगा लोन तो अच्छी बात है हमको भी। तो कैसा व्यवहार है इनका, जो यहाँ पर जो रोजगार दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है? अच्छे लग रहे हैं, हमें तो बता रहे हैं बेचारे अच्छे हैं, सवाल सभी अच्छे बैठे हैं। जैसे आमतौर पर आप किसी बैंक में जाते तो उससे अच्छा व्यवहार यहाँ मिल रहा है? हाँ। अच्छा, लोन के लिए, भैंस के लोन के लिए। तो क्या उम्मीद है यहाँ से मिल पाएगा आपको लोन? उम्मीद करके आई मिले ना मिले तो बात। अच्छा, अभी बातचीत हुई है, व्यवहार कैसा है इनका? अच्छा लग रहा है। सरकार की जो मुहिम चल रही है रोजगार मेले के तहत गरीब लोगों को आगे बढ़ाने की, कितनी अच्छी मानते हैं आप इन्हें? बढ़िया है। देखिए, आज जो ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का आयोजन बल्लभगढ़ खंड में किया गया है, यहाँ में 41 ग्राम पंचायतों से 300 बेनिफिशियरी बुलाए गए हैं, जिनमें से अब तक 120 लाभार्थी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट। खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में शासन की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना में अधिकारियों का बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां अधिकारियों ने सामूहिक विवाह में नाबालिग जोड़ों और पहले से ही शादीशुदा जोड़ों की शादी करवा दी। इतना ही नहीं, 61 जोड़ों की शादी के बजाय सिर्फ
58 जोड़ों की शादी हुई मौके पर मौजूद सपा विधायक के प्रतिनिधि ने कहा कि पूरे मामले पर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है और मैं उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करवाने की मांग करूंगा। सब लोग गांव अगर देखे जाए तमाम जो है अभी भी जो है गरीब हैं और विवाह लायक हैं, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा संख्या बढ़े, इससे मैं चाहता हूं ज़्यादा संख्या बढ़े तभी जो है ये सही होगा, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। क्योंकि जो शिकायतें आ रही हैं आप लोग जो भी बताए हमको जानकारियाँ भी मिली हैं कि लोग जो है शादी भी हुई तब भी आए हैं और जो है लेट में आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरकार की जो है बदनामी होगी। जैसे कि सर ने भी आपको बताया कि 61 जोड़ों का विवाह यहाँ पर प्रस्तावित था, इक्का दुक्का जोड़ों के देर से आने की सूचना मिली है, तो उनका हम लोग दोबारा की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी शादियाँ भी कराई जाएंगी, वापस पहुँच जाएंगे। कुल पूरे जनपद में कितने जोड़ों पर विवाह हुआ आज के डेट में? जनपद में कुल 75 जोड़ों की शादियाँ हो रही हैं सामूहिक, जिसमें से 69 सिंहपुर में ब्लॉक कैंपस में और 45 गौरीगंज कैंपस में और 61 शादियाँ यहाँ पर संपन्न कराई जा रही हैं। आज 61 जोड़ों का यहाँ सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा जो आयोजित था वो सकुशल संपन्न हुआ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के नाते यहां रहा भी और सबको आशीर्वाद देने का अवसर भी मिला। खबर बिजनौर से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 45 जोड़ों की शादी धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई गई। इसमें 3 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। बता दें राज्य सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें प्रदेश के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के विशेष रूप से गरीबों को लाभ मिल रहा है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज यहाँ पर 45 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें समाज के ऐसे वर्ग के वर वधु या ऐसे युवक युवतियाँ जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको धनराशि भी दी जाती है, गृहस्थी की सामग्री भी दी जाती है और यहाँ की जो शादी होती है वो रजिस्टर्ड भी होती है और वैध मानी जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ 175 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया, 163 हिंदू जोड़ों का वैदिक रीति रिवाज के साथ शादी की गई और 12 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिला पंचायत परिसर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन हुआ। इस अवसर पर 74 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। इस दौरान ढोल नगाड़े की धुन से जिला पंचायत परिसर गूंज उठा। वहीं पुरोहित के मंत्रोच्चार के बीच इन जोड़ों को विधि विधान से शादी कराई गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। इस योजना के तहत क्षेत्र से चिन्हित करके परम वधुओं को आज जोड़े के रूप में शादी वैदिक रीति रिवाज से कराई गई है और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के अध्यक्षता में एक यह कार्यक्रम बेहतर तरीके से आज आयोजित किया गया, जिसमें हम सब लोग एकत्रित हुए थे और अभी ईश्वर की कृपा से सभी कार्यक्रम निपट गया है और आज इस दिन को यादगार रूप में मनाने के लिए एक एक वृक्ष जिला पंचायत की तरफ से सभी। यूपी के गोंडा जिले के कोतवाली करनैलगंज के अंतर्गत कोचा कासिमपुर की घटना है, जहां युवक ससुराल गया, वहीं ससुराल ने लौटते समय उसकी हत्या कर दी और उसका शव गांव में लाकर फेंक दिया। जब स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी तो परिजनों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में परिजनों की तहरीर देने के बावजूद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही है। मुंशी लाल नाम है, कोचा कासिमपुर रही थे और हमें छोट लड़का तो ने कठेला तालाब में शादी भई रहा तो हमें गए रहा ससुराल, तो वहाँ तीसरे दिन लेकर आए हमारे गांव के टांग दिन हम तहरीर दिन नहा, जब तीसरे दिन पहले एक दिन गायब भय तब साहब वो तीसरे दिन हमें बगिया किनारे टांग गया रहा तो उनके पैर भी करते रहे भाई वो मार। फिलहाल उत्तर प्रदेश खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।